दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल हयात के बाहर से गुंडागर्दी का एक वीडियो सामने आ रहा है। वीडियो बीते दिनों 14 अक्टूबर का बताया जा रहा है, जहां बीएसपी के पूर्व सांसद राकेश पांडे के बेटे आशीष पांडे ने न सिर्फ बंदूक लहराई बल्कि वहां मौजूद एक लड़की पर भी पिस्टल तान दी। इस पूरे वाकये के दौरान आशीष लड़की और उसके साथी को गालियां भी देता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली में फाइव स्टार होटल हयात के बाहर पूर्व बसपा सांसद का बेटा गुलाबी रंग की पैंट पहन तमंचा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है और वहां मौजूद कपल को भी धमका रहा है। बंदूक लहराने वाला शख्स आशीष पांडे है, वह बीएसपी के पूर्व सांसद राकेश पांडे का बेटा है। आशीष खुद भी अकबरपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ चुका है। आशीष पांडे लखनऊ का रहने वाला है। आशीष पांडे का लखनऊ में शराब और रियल एस्टेट का कारोबार है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे ये शख्स होटल के गेट के बाहर ही एक अन्य कपल को धमका रहा है। वायरल वीडियो में बंदूकधारी शख्स के साथ एक लड़की भी है, जो वहां मौजूद कपल को लगातार गालियां देती जा रही है। होटल के मैनेजर द्वारा दर्ज की गई शिकायत के अनुसार यह वीडियो 13 अक्टूबर की रात का है। आशीष पांडे पर आर्म्स एक्ट के तहत केस भी दर्ज करा लिया गया है। दरअसल ये पूरी कहानी कुछ यूं है कि आशीष जिस शख्स को बंदूक से डरा रहा है उसके साथ जो महिला है वह वॉशरूम में गई थी। आशीष नशे में लेडीज वॉशरूम में घुस गया, जिसका उस लड़की ने विरोध किया। इसी बात से खुंदक में आकर आशीष ने उन पर पिस्टल लहरा दी। पुलिस के मुताबिक आशीष अभी भी फरार है, उसको ढूंढने की कोशिश अभी भी जारी है। इस पूरी घटना के दौरान होटल के गार्ड सिर्फ वहां चुपचाप खड़े रहे, जो कि वीडियो में आप खुद साफ तौर पर देख सकते हैं। निखिल कुमार, पंजाब केसरी, दिल्ली।